वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज है दोस्तों संडे का दिन, और संडे के दिन होता क्या है दोस्तों कि जो हफ्ते की गाड़ी हमारे पास में रिसीव होती हैं, दो तीन चार जितनी भी गाड़ियां रिसीव होती हैं, उन सबको खोलने का समय आ जाता है। तो आज ये गाड़ी हमारे पास में रिसीव हुई है दोस्तों। आज इस गाड़ी का नंबर आ गया है खोलने का, रिस्टोरेशन का इसका पूरा वर्क किया जाएगा। ये गाड़ी हमारे पास में आई है जामनगर गुजरात से। और गाड़ी कैसे आई है दोस्तों, गाड़ी आई है गति कुरियर के थ्रू हमारे पास में। तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा, बॉडी लाइन की कंडीशन क्या है, इंजन की कंडीशन क्या है, ये सारा आपको वीडियो से बताने वाला हूँ। और इस गाड़ी को बनाने में कितना खर्चा आएगा ये भी आपको आज पता लग जाएगा। गाड़ी के अंदर पार्ट्स का क्या ओरिजिनल लगा हुआ है, क्या क्या मिसिंग है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आज आपको रिवील करके दिखाएंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत, बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी की बॉडी लाइन से। बॉडी लाइन में सबसे पहले लेते हैं हम ऊपर का डूम। डूम के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कि डूम के अंदर कलर पूरा जा चुका है, रस्ट पकड़ चुका है, मीटर इसका पूरा डैमेज है, पूरा खत्म है। दूसरी बात यह है दोस्तों, दूसरा है हैंडल। हैंडल के ऊपर देख सकते हो दोस्तों आप रस्ट कितना पकड़ा हुआ है, तो हैंडल इसका हमें नया डालना पड़ेगा। आगे की हेडलाइट रिम है जो है वो क्रोम हो सकती है, तो इसको देखा जाएगा। अगला जो मडगार्ड है दोस्तों, उसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि अगला मडगार्ड की कंडीशन क्या हो रखी है। यहाँ से पूरे होल हो रखे हैं। अगली जो रिम है वो पूरी डैमेज है, यहाँ तक कि पूरा लोहा निकल के गायब हो रहा है। ये कुछ वेल्डिंग वर्क है, ये सारा वापस से सही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों टैंक की। तो टैंक थोड़ा सा मुझे इसका सही दिखाई पड़ रहा है, बाकी तो इस रबड़ को हटाने के बाद में पता लगेगा। पानी और केरोसिन ऑयल डाल के इसके अंदर देखेंगे कि ये कहीं से लीक तो नहीं है। दूसरी बात यह है दोस्तों, इसका गायब है टूल बॉक्स, बाहर का जो एयर फिल्टर बॉक्स होता है वो इसका गायब है। और इसकी भी कंडीशन कोई तो ज़्यादा अच्छी है नहीं। गाड़ी के अंदर दोस्तों लगा हुआ है जिको वाला कार्बोरेटर, तो इस कार्बोरेटर की कंडीशन क्या है ये भी खोलने के बाद में पता चलेगा। साथ के साथ दोस्तों इंजन इसका हो रखा है पूरा जाम, कुछ भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, यानी कि मुर्दे के अंदर से जान जा चुकी है दोस्तों। गायब है इसके दोनों बैंड पाइप और एक साइड का साइलेंसर गाड़ी में आया ही नहीं है। ओवरऑल जो है दोस्तों वो गाड़ी की कंडीशन ये है कि गाड़ी पूरी हो चुकी है रस्टेड, पता नहीं कितने साल से ये खड़ी हुई है, टायर पूरे डैमेज हो चुके हैं, पिछली रिम डैमेज है। शोकर का ये है कि शोकर इसके रिपेयर हो सकते हैं, तो इसको रिपेयर करवा लेंगे। साइलेंसर इस साइड का पूरा गायब है, इंजन जाम पड़ा हुआ है, पीछे कैरियर लगा हुआ है, टोकरी बॉक्स लगा हुआ है लेकिन टोकरी गायब है। और साथ के साथ दोस्तों नीचे वाला चेन कवर भी इसका गायब हो चुका है, ऊपर वाला फिलहाल में लगा हुआ है। इस साइड का टूल बॉक्स थोड़ा ठीक है और लगा हुआ है। ब्रेक के पेडल की हालत देख सकते हो कि ब्रेक का पेडल किस तरीके से इन्होंने वेल्ड कर रखा है। इस साइड का साइलेंसर है लेकिन साइलेंसर के अंदर पड़ा हुआ है बहुत ही भयंकर डेंट, तो ये भी रिकवर होना मुश्किल है, तो इसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। साथ के साथ दोस्तों इस साइड का भी वेंट पाइप गायब है, हैंडल में से मुट्ठा गायब है, और टंकी पे तो लिखा हुआ ही है कि गति कुरियर के थ्रू जब गाड़ी आती है तो ये सारा मार्किंग होता है। टंकी की हालत दोस्तों ये है, अंदर से देखा जाए तो अंदर भी बहुत ही सारा रस्ट इसके अंदर लगा हुआ है। फ्रंट मडगार्ड की हालत में आपको दिखाई चुका हूँ, अब देख लीजिए इस साइड से हालत क्या है। तो ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन दोस्तों बहुत ही डल है, बहुत ही बेकार कंडीशन में है। तो इस गाड़ी को बनाने में दोस्तों हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले इंजन का। इंजन पूरा खोला जाएगा, इंजन को चेक किया जाएगा कि कोई गियर का पार्ट तो मिसिंग नहीं है, और इंजन को पूरा स्टार्ट ओवरहॉल करके स्टार्ट किया जाएगा। गाड़ी के ऊपर दोस्तों कलर होगा, जो पार्ट मिसिंग है वो नया और ओरिजिनल पार्ट डाला जाएगा। साथ के साथ दोस्तों गाड़ी के ऊपर कलर बहुत ज़बरदस्त कराने वाले हैं, मेटेलिक इसके ऊपर कलर होगा। और इस गाड़ी को बनाने में लगेगा दोस्तों हमें 3 से 4 महीने का टाइम, तो टाइम हमने कस्टमर से ले लिया है और इस गाड़ी को आज खोलने की तैयारी हो चुकी है। तो धीरे धीरे जो भी अपडेट आते रहेंगे वो वीडियो पे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर खर्चा आने वाला है पूरा रिस्टोरेशन का 70 से 80 हजार रुपए का। अब इतना खर्चा क्यों आएगा दोस्तों कि गाड़ी की कंडीशन आप देख चुके हो, गाड़ी का इंजन पूरा बनाना पड़ेगा, कलर है, क्रोम का काम है, जो पार्ट मिसिंग है वो सारा पार्ट ओरिजिनल डाला जाएगा, गाड़ी के आगे पीछे के टायर पूरे नए किए जाएंगे, नए डाले जाएंगे, और साथ के साथ दोस्तों गाड़ी बन जाएगी बिल्कुल शोरूम कंडीशन। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत इस गाड़ी को खोलने के साथ, और फिर जब मिलेंगे 3 महीने बाद तब ये गाड़ी आप सिर्फ इसके नंबर से पहचानोगे। नंबर इसका नोट कर लीजिए, नंबर है इसका GRI7071। तो आपने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।